आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने 28 मई को दिल्ली में संसद के नए भवन के लोकार्पण कार्यक्रम का दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलित पहलवानों के समर्थन में बहिष्कार करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि लोकसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नेतृत्व करने तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में केंद्र सरकार ने हनुमान बेनीवाल को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया था। सांसद ने शुक्रवार शाम सोशल मीडिया पर लाइव आकर इस बात की घोषणा की। तो आपको बता दें कि संसद भवन के लोकार्पण को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल नहीं जाएंगे, लोकार्पण में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, उस पहलवानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए इन्होंने इसको बहिष्कार किया। आपके मन में जो भावनाएं दूसरे दलों के प्रति है, जो एनडीए के छोटे दलों के प्रति भावनाएं थी, आपको छोड़ छोड़ के चले गए एनडीए के सारे दल। करीब करीब दल जाने की फिराक में और 24 का जो रास्ता आपके लिए आसान नहीं है। मैं इस 28 तारीख का जो कार्यक्रम है हमारी पहलवान बेटियों के सम्मान में, हमारे भाइयों के सम्मान में, इस 28 तारीख के संसद भवन के नए उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करता हूँ बेटियों के समर्थन में, पहलवान बेटियों के समर्थन में। प्रदेश में गुरुवार रात आई अंधड़ बारिश और ओलों से हुए नुकसान को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरा है। बीजेपी ने तुरंत प्रभाव से किसानों को मुआवजा देकर राहत देने की मांग की है। इसके साथ ही मुआवजा देने में लापरवाही बरतने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बयान जारी कर कहा कि सरकार तुरंत मौका मुआयना करवाकर पीड़ितों को राहत प्रदान करे। जोशी ने कहा कि अंधड़ तूफान से कई लोगों की मौतें हुई है तो बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं, पशुधन को नुकसान हुआ है तो कई लोग बेघर भी हो गए। तो जब हमारे खजाने में, राजस्थान के खजाने में हजारों करोड़ रुपया है, तो उन पैसों का क्यों नहीं जहां जिनकी जान चली गई, जिनको पशुधन का नुकसान हुआ है, किसी का मकान को नुकसान हुआ है, तुरंत उसकी इसकी जांच कराकर तुरंत उनको मुआवजा देने का सरकार काम क्यों नहीं करती। 4.5 वर्षों में फसल खराबे में भी गिरदावरी के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई, 30% से ऊपर गिरदावरी नहीं कराई गई, क्योंकि अगर उससे 33% से ऊपर होगा तो किसान को मुआवजा देना पड़ेगा। प्रदेश के अंदर आए तेज अंधड़ की वजह से साथ में बारिश और ओलावृष्टि के साथ सिर्फ पशुओं की हानि नहीं हुई, जनहानि भी हुई है और प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई नुकसान जरूर हुआ है, चाहे दीवार गिरने के मामले हो, चाहे टीन सेट उड़ने के मामले हो, चाहे वृक्ष उपटने के मामले हो, प्रदेश के अंदर भयंकर नुकसान हुआ है। सरकार अगर संवेदनशील है तत्काल सर्वे कराकर मुआवजे की घोषणा करे और राहत पहुंचाने का काम करे। तमिलनाडु के अल्पसंख्यक मंत्री जी मस्तान ने अजमेर पहुंचकर ख्वाजा साहब की पवित्र मजार पर चादर चढ़ाई। जी मस्तान को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ के खादिम सैयद फसीउद्दीन मोइनी ने जियारत करवाई और दरगाह शरीफ का तबरुक दिया। तमिलनाडु के अल्पसंख्यक मंत्री ने दरगाह में लंगर भी तकसीम किया। उन्होंने तमिलनाडु और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। जीवस्थान ने कहा कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत लाभकारी योजनाओं पर काम चल रहा है और अल्पसंख्यक समुदाय मुख्यमंत्री का बहुत समर्थन करता है। जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने की। बैठक में पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष जोशी का कार्यकर्ताओं ने उत्साह से स्वागत किया। बैठक में रामदेवरा, सांकड़ा और पोखरण ग्रामीण मंडलों के मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी, बूथ अध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक में सीपी जोशी ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने की अपील। बैठक में भाजपा नेता महंत प्रतापपुरी, विधायक हमीर सिंह, विक्रम सिंह नाचना, रामदयाल और प्रेम सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। रामदेवरा जैसलमेर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये बैठक हुई। राजस्थान में इस साल चुनाव है, इसी कड़ी में प्रजापति समाज भी अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। प्रजापति समाज के संयोजक मनीष प्रजापति ने बताया कि 28 तारीख को होने वाला महाकुंभ 10 सूत्रीय मांगों को लेकर होगा, जिसमें विधायक मदन प्रजापति, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर सभी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है। यह महाकुंभ 28 तारीख को विद्यानगर स्टेडियम सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। कितने लोगों के आने की संभावना है? तकरीबन 8 लाख से अधिक लोग इस महाकुंभ में पधारेंगे, जो राजस्थान के हर जिले और देश से भी, अन्य राज्यों से भी लोग आ रहे हैं और राजस्थान के हर जिलों से सब वाहन सुविधा वगैरह सब अब तक महाकुंभ को लेकर सभी व्यवस्थाएं बांट दी गई है और जैसे जैसे हैं अलग अलग
व्यवस्था के रूप में सबको जिम्मेदारी दी गई है, तो सभी अपना यातायात व्यवस्था हो या भोजन की व्यवस्था हो या पानी की व्यवस्था हो गर्मी को देखते हुए, तो ये सभी व्यवस्थाएं रखी गई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय परिषद की 92वीं मीटिंग श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ईएसआईसी की योजनाओं की प्रगति को लेकर चर्चा हुई। मंत्री सुखराम बिश्नोई ने बताया कि बीकानेर में 30 बिस्तर का, किशनगढ़ में 100, निमराना में 150 बेड्स का अस्पताल खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही स्थानीय समस्याएं जो आ रही है उनका निस्तारण बैठक में किया गया। बीकानेर में 30 बिस्तर का, किशनगढ़ में 100 बेड्स का, निमराना 150 बेड्स का नया अस्पताल खोलने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही चित्तौड़गढ़ में 30 बेड्स का और 100 थे पहले थे और बढ़ाया गया है। साथ ही राज्य बीमा योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम जयपुर बीमितों आश्रितों को वर्ष 2022-23 लगभग 40.9 करोड़ का नगद भुगतान किया गया है। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने आज शपथ ले ली है। प्रवीण लांबा को अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही कहरानी में स्थित भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के नए भवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकारिणी के सभी मेंबर्स का स्वागत और सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिवाड़ी पुलिस के DSP सुजीत शंकर रहे। हमारा मुख्य उद्देश्य इस एसोसिएशन को बनाने के पीछे इंडस्ट्रीज की जो मुख्य समस्याएं हैं, जो भी आप देख रहे होंगे, पोल्यूशन को लेकर है, चाहे फ्यूल सरचार्ज को लेकर है, चाहे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, मुख्य समस्याओं को उठाना ही हमारा उद्देश्य है, उनका समाधान कराना, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल की बात हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर बात हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की बात हो, उनका समाधान कराना हमारी प्राथमिकता है। भिवाड़ी आज बहुत बड़े लेवल पर बढ़ चुका है, तो आवश्यकता थी वहाँ यहाँ पर एक ऐसी एसोसिएशन की भी जिसमें सभी लोग जुड़े, जो इंटीग्रेटेड इसके अंदर 7 जोनों से इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, तो सभी लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं। झुंझुनू के खेतड़ी में महिपाल मेघवाल की मौत से जुड़े मामले में मेघवाल महासभा ने DGP उमेश मिश्र से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पूरे मामले की जांच ADG क्राइम से करवाने की मांग रखी गई। मेघवाल समाज के अध्यक्ष इंद्रराज सिंह मेघवाल ने कहा कि गांव में मंदिर में जाते वक्त महिपाल पर हमला हुआ था। खेतड़ी में इस मामले को लेकर सर्व समाज का धरना चल रहा है। सरकार से मांग है कि परिजन की नौकरी और मुआवजा दिया जाए। सर्व समाज ने अस्पताल में धरना अनिश्चितकालीन शुरू कर दिया है। हजारों आदमी धरने में बैठे हैं। हम आज CM साहब से भी यहाँ मिले हैं, DGP साहब से मिले हैं, चूंकि आश्वासन में मिला है, फिर भी हम उनको ये निवेदन किया है कि चूंकि उसके कोई कमाने वाला नहीं है और इसलिए उसको कोई भी राज्य की सेवा दी जाए। हमने उसके जो उचित समझे सरकार, हमने 1 करोड़ रुपये की मांग की है और जो भी आरोपी उनको गिरफ्तार किया जाए। बीकानेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकल गैंग के सरगना तुलछा राम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि रीट के आरू की परीक्षा में नकल मामले में कार्रवाई करते हुए 14 मई को गंगाशहर थाने में मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ के आधार पर गैंग के सरगना तुलछा राम को पकड़ा गया है। आरोपी तुलछा राम नागौर क्षेत्र में एक ढाणी में छिपा हुआ था। पुलिस ने उसे चारपाई के नीचे से गिरफ्तार किया है। जाम था, RPSC द्वारा आयोजित अधिशासी अभियंता की सार्वजनिक परीक्षा थी, उसमें हमने 3 आरोपी गिरफ्तार किए थे, जो विग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर और चीटिंग का कर रहे थे। इसके आधार पर हमने 3 आरोपी गिरफ्तार किए थे और उनकी पूछताछ के आधार पर ये जो मुख्य आरोपी है तुलछाराम कालेर, इसको आज डिटेन किया है। लंबे इंतजार के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके लिए परीक्षा करवाई थी। 21,000 पदों के लिए कुल 41,546 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें 38,280 कैंडिडेट्स नॉन TSP क्षेत्र से हैं, वहीं 3,266 कैंडिडेट्स TSP क्षेत्र से हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जिला आवंटन के बाद 19,192 अभ्यर्थियों को नॉन TSP जबकि 18,000 कैंडिडेट्स को TSP क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी। बोर्ड की ओर से 48,000 पदों के लिए शिक्षक भर्ती की परीक्षा 25 फरवरी से 1 मार्च तक करवाई गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने डॉक्टर की गैरमौजूदगी में यानी उनके अनुपस्थित या अवकाश पर रहने के दौरान नर्सिंग अधिकारी को डॉक्टर के कार्य दिए जाने के संबंध में कोई गाइडलाइन नहीं होने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, चिकित्सा निदेशक और अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश खुशीराम मीणा की याचिका पर दिए हैं।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को लेकर स्वास्थ्य विभाग सप्ताह भर संगोष्ठी और रैलियों का आयोजन कर आमजन को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगा। वही कूटपा एक्ट 2003 के तहत सघन चालानिंग करके उल्लंघनकर्ताओं को सख्त संदेश भी देगा। स्वास्थ्य भवन सभागार में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ आयोजित प्रेस वार्ता में कार्यवाहक CMHO डॉक्टर लोकेश गुप्ता ने बताया कि संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन के नेतृत्व में बीकानेर जिले में पूरे मई माह को तंबाकू निषेध माह के रूप में मनाया जा रहा है और आगामी पूरे सप्ताह भर में तंबाकू के विरुद्ध एक जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया जाएगा। और प्रतिवर्ष 8 से 10 लाख मौतें इस तंबाकू के कारण हो रही है और ऐसा देखा जा रहा है कि 48% के आसपास पुरुष और 15 से 20% आसपास महिलाएं किसी न किसी रूप में तंबाकू दर्दा गुटखा का सेवन कर रही है, जो कि आने वाले समय में बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी दो दिवसीय जैसलमेर दौरे पर रहे। दौरे के दूसरे दिन वो विश्वख्यात तीर्थस्थल रामदेवरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए। पुजारियों ने उनका तिलक किया और माल्यार्पण कर स्वागत किया। उनके रामदेवरा पहुंचने पर पूर्व विधायक शतान सिंह राठौड़ और महंत प्रतापपुरी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आज डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर वो रहे। इस दौरान भिलूड़ा जाते समय रास्ते में जगह जगह केंद्रीय मंत्री का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भिलूड़ा में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने रघुनाथ मंदिर में दर्शन के बाद रेवाड़ी समाज के भैरव भक्त महोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शेखावत ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही आगामी चुनाव में BJP सरकार बनने का दावा भी किया। अजमेर में पैसे के लेनदेन के विवाद के बाद पेट्रोल छिड़क कर दलित युवक की हत्या मामले में JLN अस्पताल मोर्चरी में समाज के लोगों का प्रदर्शन हुआ। मामले में दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद समाज के लोग आक्रोशित हैं। वहीं JLN अस्पताल की मोर्चरी में टेंट लगाने को लेकर विवाद भी देखने को मिला।